पेरेंट्स लॉगिन करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड आता है, उस पर हम स्टूडेंट की प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फी आइकन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस शेड्यूल की फीस हमें पे करनी है उस पर क्लिक करेंगे, पे के क्लिक पे। फिर उसके बाद ये नीचे डाउन में पे बटन आ रहा है, यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही होती है कि आपने कौन सा पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। ओके, तो हम उस पर जाएंगे। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम फोन पे पर सेलेक्ट करके पे नाउ पे, तो ये GST ऑन गेटवे चार्ज ये ले रहा है, तो हम ऐसे कर देंगे तो ये आपको उस पर ले जाएगा। यहाँ पे करने के लिए आप जाएंगे, पे करेंगे। यहाँ पे आप अपना UPI पिन ऐड करोगे। UPI पिन ऐड करने के बाद आप क्लिक करोगे, पेमेंट सक्सेस ये आपको ऑटोमेटिकली थैंक यू पेज पे ले आएगी। अगर इन केस आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं और आपको यहाँ पे थैंक यू मैसेज या कोई थैंक यू मैसेज नहीं आता और एरर आता है, तो आप क्या करेंगे, आप क्लोज करेंगे एंड वापस जाएंगे। यहाँ पे आपको शो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिख रही होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन होगी वो आपके यहाँ पे आ रही होगी। यहाँ पे उसका स्टेटस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, या सक्सेसफुल येस होगा या फिर नो होगा। यहाँ पे री वेरीफाई का बटन आप क्लिक करोगे तो उससे आपकी अगर किसी इश्यू की वजह से वो सक्सेस नहीं होती तो आप यहां से री वेरीफाई करके उस पेमेंट को स्टेटस दोबारा चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।